नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिका जीनस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सटॉर्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आईपीसी के सेक्शन 383 में डिफाइंड है। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है। उसको ज़रा बेयर लैंग्वेज से समझने से पहले मैं आपको अगर उसको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो उसको कुछ इस प्रकार समझा जाएगा कि जब हम एक बॉलीवुड मूवी देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक जो किडनैपर होता है वो किसी स्कूल जाते हुए बच्चे को अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद उस बच्चे के माता पिता से फिरौती की रकम मांगी जाती है। फिरौती की रकम मांगते समय उनके माँ बाप के दिमाग में एक फियर क्रिएट किया जा सकता है, किया जाता है साथ में, कि भाई अगर आपने मुझे 10 लाख रुपए या फॉर एग्जांपल कुछ भी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर मुझे नहीं दी, आपने वो मेरे नाम पर नहीं की, तो मैं आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता हूं, किसी प्रकार से उसको हार्म कर सकता हूं, उसको जान से मार सकता हूं। ऐसी जो धमकी दी जाती हैं वो एक्सटॉर्शन के लिए दी जाती हैं। एक्सटॉर्शन किया जाता है, उसके अंदर जो मनी मांगी जाती है उसे एक्सटॉर्शन मनी कहा जा सकता है। ये हुआ इसका सिंपल सा मतलब। अगर उसकी बेयर प्रोविज़न को समझें तो देखिए, मैं यूनिवर्सल का ये बेयर एक्ट यूज़ कर रहा हूँ और इसमें से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें अगर मैं आपके लिए पढ़ूँ, सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन क्या कहता है, हु एवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनी थिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इन टू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई, कुछ समझ आया नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, हु एवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन। ये कहता है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को इस फियर में डालता है कि भैया मैं आपको क्षति पहुंचा सकता हूं, इंजरी कर सकता हूं, आपको खुद उस पर्सन को जिसको फियर में डाल रहा है, या फिर किसी और व्यक्ति को तो इंजरी पहुंचाएगा और फियर में उसको डाल रहा है, जैसे कि किसी माँ बाप को फियर में डाल रहा है कि आपके बच्चे को मैं इंजरी पहुँचा दूंगा, उसको जान से मार दूंगा, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसी कोई बात, ठीक है, तो फियर तो उसके माँ बाप के मन में हो रहा है, ठीक है। और क्या कहता है, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। जब वो उस व्यक्ति के, उस बच्चे के माँ बाप को ये कह रहा है कि भाई 10 लाख रुपए मेरे खाते में ट्रांसफ़र करो, मुझे आके फलानी जगह पे देके जाओ, पार्क के पीछे पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे मुझे 10 लाख रुपए का बैग मिलना चाहिए, जब ऐसी ऐसी डिमांड हो रही हैं, तो नो डाउट है कि जो माँ बाप हैं वो खुद जा रहे हैं पैसे देके, ठीक है, 10 लाख रुपए खुद लेके जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे क्या वो ऑनेस्ट इंटेंशन से जा रहे हैं, क्या उनकी फ्री कंसेंट है, पर नहीं, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। किसकी, एक्सटॉर्शनर की। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से डिसऑनेस्टली वो इंड्यूस करते हैं, धक्का करते हैं उनके साथ कि भाई उनके पास और कोई चारा नहीं है, अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो बच्चे को बहुत ही कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए यहां पर क्या है कि वो फियर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आगे क्या कहता है, टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी में जो टर्म है वो सिर्फ मूवेबल काउंट नहीं होगी, जैसे कि हम थेफ्ट में काउंट करते हैं कि थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, बट यहाँ पर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी एज ए एक्सटॉर्शन मनी या एक्सटॉर्शन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी माना जा सकता है। आगे बात करें वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30 में डिफाइन की गई है। इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो कोई भी साइन डीड आ सकती है, ठीक है, और एनी थिंग साइंड और सेल्ड विच मे बी कन्वर्टेड इन टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। समझ आई आपको इसकी बात। अगर थोड़ा इसको और डिटेल में समझा जाए तो मैं आपको इसके 3 इन्ग्रीडियंट्स बता देता हूँ। एक्सटॉर्शन इज कमिटेड बाय द रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग ऑफ कंसेंट। जो एक्सटॉर्शन है वो कैसे कमिट किया जा सकता है, रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग ऑफ कंसेंट। कंसेंट तो होती है माता पिता की, वो 10 लाख रुपए लेके आएंगे, लेकिन वो रॉन्गफुली ऑब्टेन की जाती है, धक्के से, उनको जबरदस्ती से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से उनकी कंसेंट गेन की जाती है, जो कि एक फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। थेफ्ट में अगर बात करें तो ओनर की कंसेंट का कुछ चक्कर ही नहीं था, ओनर को पता ही नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी कब चली गई कब आ गई, वो तो थेफ्ट हो गया। लेकिन एक्सटॉर्शन में सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट जो डिफरेंस है वो ये आता है कि
थेफ्ट से अलग, थेफ्ट में तो ओनर को कंसेंट नहीं होती है, इसमें कंसेंट होती है लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय एक्सटॉर्शनर इज नॉट लिमिटेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी तक ही सीमित रहती है, लेकिन एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं रह के बल्कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी उसमें काउंट हो सकती है। ओके, इन द एक्सटॉर्शन द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन अ फियर ऑफ इंजुरी। एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, गेन की जाती है, ऑब्टेन की जाती है कंसेंट के साथ, बट वो जो कंसेंट होती है वो एक फियर में डाल के डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उस व्यक्ति को मजबूर किया जा सकता है, इंड्यूस किया जाता है कि भैया आप आपकी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमारे नाम पर डिलीवर करो। ठीक है, तो ये जो डिलीवर करने वाला कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पुट एनी पर्सन इनटू फियर में ये है कि या तो वो डायरेक्ट उस व्यक्ति को ही फियर में डाले कि भाई तुम्हारे खिलाफ मेरे पास ये डेफेमेटरी सेंटेंस हैं और मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, या फिर मेरे मेरे खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देना, ये तो एक पॉइंट हो गया। या फिर वो ऐसे ही कि भाई तुम्हारे बच्चे के खिलाफ मेरे पास ऐसे ऐसे MMS हैं और पिक्चर्स हैं, अगर मैंने उनको कर दिया तो तुम कहीं भी मतलब सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं रहोगे, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। अगर कोई ऐसे धमकी देता है तो वो भी एक्सटॉर्शन में काउंट होता है। अगर इसकी एक और एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है ए पर्सन क्या करता है, जेड पर्सन को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के फियर में रख के उसको कहता है कि एक ब्लैंक पेज पर अपने सील लगा के दो, अपना साइन करके दो ब्लैंक पेपर पे। जब वो जेड उसको ब्लैंक पेपर पे साइन और सील करके दे देता है, डिलीवर कर देता है ए पर्सन को, तो ए पर्सन ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है क्योंकि उस ब्लैंक पेपर को एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में काउंट किया जा सकता है फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब बात करते हैं एक्सटॉर्शन में पनिशमेंट के बारे में। सेक्शन 384 IPC में पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन कमिट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट रहेगी। अगर कोई व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति एक्सटॉर्शन कमिट करता है वो किसके लिए लाइबल होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, उस व्यक्ति को 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। ये एक कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। थैंक यू।